पुराने शहर के कोई मुसलमान का फायदा हुआ मेरे को बताओ, जब मैं मानता हूँ। आज तरक्की हुई क्या? पुराने शहर की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रही, मजबूर होकर मेरे को फिर आना पड़ रहा। हम एक ईंट लगाए तो भी हमको पैसे देना पड़ा, मोहरी बना का कुछ काम मोहरी भर गई पैसे देना पड़ा, हर काम के वास्ते पैसे लूट रहे, गली के लीडर से लेके एमएलए तक ऊपर तक सब। अली मसफती थोड़ा हरकत में आ रहे, थोड़ा हरकत में आए तो असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने एक सभा में ये कहा जलसे से कि आप अपना प्रोडक्ट बेच ले रहे, आप अपना कारोबार कर रहे, हमको कोई एतराज नहीं है, बेशक कोई एतराज नहीं है, समझी, आपके प्रोडक्ट को वाकई अगर चाहे तो बहुत कुछ धक्का लग सकता, मगर ये जमात ये नहीं चाह रही, समझे, आप अपना जो काम कर ले रहे कर लो, आप जमात को निशाना, जमात को कायदीन को टारगेट मत बनाओ, आप अगर टारगेट बनेंगे तो आपके लिए तकलीफ तकलीफ में बढ़ना शुरू हो जाती। वाकई बेशक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक चट्टान का नाम है, उस चट्टान का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का कोई भी रहो उस चट्टान का मुकाबला नहीं कर सकता जिसका नाम आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह ताला ये सुबह क़यामत तक ये चट्टान बाकी रहने वाली है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं लगा सकते, आप लोग ये मुखालिफीन मजलिस इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, समझे, जो मजलिस को मजबूत करना चाहता, जो एक जमात को मजबूत करना चाहता, अपने कायदीन को मजबूत करना चाहता, उसका जज्बा अलग रहता। बेशक आपके प्रोडक्ट को संभाल के रखो, आपके कारोबार को संभाल के रखो, कहीं तकलीफें ना बढ़ जाए, मेरा बोलने का मतलब है कारोबार चल रहा आपका चला लो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है आपके कारोबार से। अब एक असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद एक सभा में आपको ये बोल दिए जलसे में, ये बोलते ही आप क्या करें मालूम है, एक ईंट रखे तो पैसे लेते लीडर, हाँ एमएलए पैसे खाते, अरे इतनी बड़ी झूठ। आपको जो तकलीफ ही सदर मोहतरम सदर मजलिस की बातों से, तो वो तकलीफ का जवाब आप ऐसा देते, मेरे को उतरना पड़ रहा अब बोल रहे, उतर के क्या करते आप, पहले मोरियां साफ करते थे आप, मोरियां साफ करते थे आप, नहीं मेरे को उतरना पड़ रहा, मैंने तो नहीं उतर रहा था, बोले तो क्या बात है, अरे क्या बात है, आपका साहेब समझ है आप लोग, एक बिजनेसमैन है, एक कारोबार वाले हैं आप लोग, हैं, अरे हर छोटे बड़े से मिलजुल के आप कारोबार आगे बढ़ाना, कारोबार है आपका, हैं, ये छिछोरे बात हैं, बेकारी के बात कब तक ये, हैं, अब एक और ऐड हो गए आप, आपको भी तकलीफ हो गई, आप जैसा एक्शन रहेगा वैसा रिएक्शन मिलेगा आपको इंशाल्लाह, ये बात याद रखो मेरी, कोई भी रहो जैसा एक्शन रहेगा वैसा रिएक्शन मिलेगा, ये मत समझो कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कमजोर है, नहीं इंशाअल्लाह ताला हर हरकत का जवाब मिलेगा, हर वो बात का जवाब मिलेगा, समझे, आप जबान से अगर आप ताकत लड़ेंगे तो जबान से आपको जवाब मिलेगा, हाथ से बोले हाथ से, दिमाग से बोले दिमाग से, कोई भी रहो हर चीज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जवाब दे सकती है इंशाल्लाह, इसीलिए तो उसको चट्टान कहते हैं, उस चट्टान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला, कोई मुखालिफिन नहीं कर सकता, ये गरीब की मजलूमों की जमात है, समझे, हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई हर रिलीजन की आवाज का नाम आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोग बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा बोलते हैं ना, वो हाल है आप लोगों का, समझे, आप लोग अपने होके आप लोगों को एक हसद है कि जमात आगे नहीं बढ़ना, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद आगे नहीं बढ़ना, समझे, अली मसफती साहब जो कारोबार आप कर ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह कर लीजिए, समझे, बेकारी का आप टारगेट मत करिए, आप जितना बोलेंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा, जवाब हर तरीके से भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।